हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम थर्मोडायनामिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज अ स्टेट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट वेरिएबल होता क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हम स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन जो दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट वेरिएबल क्या होता है। स्टेट वेरिएबल मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन डिसाइड द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। सो किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या है, उसके एक्चुअल कंडीशन क्या है जो हमें बताता है, उसे हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। अगर ये स्टेट वेरिएबल हम किसी भी सिस्टम में ऐड करते हैं या किसी सिस्टम का स्टेट वेरिएबल चेंज करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है, उस सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। ओके, स्टेट यानी कि इसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इसमें चेंजेस होते हैं, उसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। सो स्टेट वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। सो गाइस, स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखो, स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। सपोज हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज आपने एक बिकर में दो तीन केमिकल मिक्स कर दिए और केमिकल रिएक्शन चालू कर रहे हैं, सो दैट इज अ रिएक्टेंट, उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। सो थर्मोडायनामिक्स किसको इंपॉर्टेंट देता है, सो आप रिएक्शन मिक्स, दो तीन केमिकल मिक्स कर रहे हैं, दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज इनिशियल स्टेट, और उस दो रिएक्शन मिक्स होकर आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, दैट इज अ फाइनल स्टेट। वो रिएक्शन आपके एक स्टेप में हो या दो स्टेप में हो या तीन स्टेप में हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू द थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स किसको इंपॉर्टेंट देती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। सो इट गिव द इंपॉर्टेंट टू इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ ऑफ द सिस्टम, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर मैं एक आसान तरीके से आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल टर्म है स्टेट फंक्शन। सपोज आप दो फ्रेंड्स हो और दोनों आप थर्ड फ्लोर पे हो, ओके, थर्ड फ्लोर पे दोनों हैं और आप दोनों थर्ड फ्लोर पे हो, वो आपके लिए कौन सी स्टेट है, अभी फिलहाल कौन सी स्टेट है, थर्ड फ्लोर के ऊपर हो आप अभी, सो दैट इज योर इनिशियल स्टेट। और दोनों को अर्जेंट नीचे आना है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ये आपका कौन सा स्टेट हुआ, फाइनल स्टेट। आप अभी थर्ड फ्लोर के ऊपर हो, दैट इज योर इनिशियल स्टेट, और थर्ड फ्लोर से नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है, दैट इज अ फाइनल स्टेट। ओके, सो अगर दोनों में से एक फ्रेंड क्या करेगा, बाय स्टेप्स थ्रू नीचे आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और दूसरा क्या करेगा, थ्रू इसके लिप के थ्रू नीचे आ जाएगा। सो ये देखो गाइस, दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो लिप के थ्रू नीचे आएगा उसको कम टाइम में नीचे आ जाएगा, और जो स्टेप्स थ्रू आएगा सो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। आप ऊपर से नीचे कैसे आए हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको नीचे आना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। आप ऊपर से नीचे तक कैसे आए हो, ये थर्मोडायनामिक्स इसको इंपॉर्टेंट नहीं देता है। इंपॉर्टेंट किसको देता है, वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो यही थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन है गाइस, थर्मोडायनामिक्स गिव्स इंपॉर्टेंट टू इनिशियल स्टेट एंड कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो इस केमिकल रिएक्शंस का ओनली रिएक्टेंट टू कन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ है, इतना ही वो हमें बताता है। लेकिन इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मैकेनिज्म होता है, वो हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। सो दैट इज द एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीन्स थर्मोडायनामिक्स जनरली विल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी, ऐसे हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, और जो छोटे छोटे क्वांटिटीज होते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट नहीं देता है। एक्चुअली दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो गाइज, आपको समझ में आ रहा है स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन, क्या बोल रहा बता रहा हूं मैं, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, not a path of the system. सो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेट फंक्शन। सो गाइस, स्टेट फंक्शन में क्या क्या आता है, जो को जनरली टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, देन इसमें एंथैल्पी एच, एंट्रोपी एस, ये जो टर्म्स हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, सो ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। सो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ। और जो दूसरा आता है पाथ फंक्शन, ओके, पाथ फंक्शन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट, नॉट अ, ये इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करता है और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, अलॉन्ग विथ
पाथ. ओके मीन्स इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वर्क डन W एंड हीट Q. W एंड Q ये दोनों क्या है पाथ फंक्शन. सपोज गाइस आप किसी सिस्टम पे ऊपर वर्क कर रहे हो. सपोज आप पाथ फंक्शन का एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ मैं. ओके सो अगर आप कोई चीज़ आप उठा के एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहे हो कोई भी चीज़ समझ लो. सो आप क्या कर रहे हो यहाँ से सपोज हॉल में से आप उसको बेडरूम तक लेके जा रहे हो कोई भी थिंग हो या कबर्ड हो या कुछ भी हो सकता है. ओके सो उसको आप लेके जा रहे हो. सो आप यहाँ से हॉल में से बेडरूम में लेके जा रहे हो. हॉल इज योर इनिशियल स्टेट और बेडरूम में लेके जा रहे हो दैट इज अ फाइनल स्टेट. लेकिन इस पर आपका क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है ना. सो आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो मीन्स आप जैसे वहाँ तक जाओगे वहाँ तक आपको उठा के नहीं लेके जाना है. सो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट अलॉन्ग विथ पाथ. पाथ के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट रहता है. सो पाथ फंक्शन समझ में आ रहा है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलॉन्ग विथ पाथ ऑफ द सिस्टम. ओके सो बहुत सारे रिएक्शंस में हम क्या करते हैं उसकी मैकेनिज्म हमको इंपॉर्टेंट रहती है. पाथ कैसे रिएक्शन हुई सो हम ये काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं दैट इज अ मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन विल डिस्कस इन द काइनेटिक्स. सो गाइस पाथ फंक्शन आपको समझ में आ रहा है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलॉन्ग विथ पाथ ऑफ द सिस्टम. ये हुआ हमारा स्टेट फंक्शन. सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम अभी नीट का स्पार्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नीट के सब टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं अलॉन्ग ऑल ऑर्गेनिक फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक. सो इससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है. जो भी रूरल बैकग्राउंड में बच्चे रहते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते. तो हमारा एक छोटा सा ऑनेस्ट एफर्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक हमारा जो कॉन्टेंट है वो रीच हो और मैक्सिमम बच्चे नीट पढ़े. ओके उनके लिए हम मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक नीट जो हमारी स्पार्क सीरीज है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं. सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आपको एवरी टाइम जो भी हमारे वीडियोस चैनल के ऊपर आते हैं उसकी इंटीमिनेशन अब तक जाती रहे. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.